सो हम कहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं? बच्चा छोटा है, उसका एडमिशन कराना है, जाहिर है प्री स्कूल, केजी, नर्सरी, यही चीज़ें हमने सुनी हैं। अगर मुझे आप लोगों में, आप चारों में से कोई भी गाइडलाइंस दे सके, जब कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ एक प्ले ग्रुप होता है, कितने साल में बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर है? आपके अलग अलग परसेप्शन भी हो सकते हैं, सो आप लोग मुझे अपने अपनी तरफ से राय दें प्लीज़। जी सना, देखा ऑनेस्टली आई थिंक, देखें तालीम का मकसद क्या है एज यंग पेरेंट्स, स्पेशली बिकॉज आप प्री नर्सरी की बात कर रही हैं, व्हेन इट कम्स टू, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ एज पेरेंट्स कि आप चाहते क्या हैं, आप बच्चे को क्यों स्कूल में डालना चाह रहे हैं? इज़ इट बिकॉज आपके आस पास सराउंड साउंड है कि इस स्कूल में बच्चे को डालना है, यहाँ जाके ही कामयाबी होगी? इज़ इट बिकॉज आप अपने बचपन से रेफरेंस ले रहे हैं या आपने कोई अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च की है? इफ़ यू आस्क मी एज एन एजुकेटर, आई थिंक तालीम का मकसद है किसी भी इंसान में, और ज़ाहरी बात है वो बचपन से शुरू होगा, कि वो एक्सप्लोरेटिव क्यूरियोसिटी जो है ना, यानी बच्चे को किसी चीज़ के बारे में जो जस्तजू है, उस जस्तजू को वो किस तरह पूरी कर सकता है, तालीम का बेसिकली मकसद ही होना चाहिए लाइफ में। तो जब आप डिसाइड करें कि आपने बच्चे को कहाँ डालना है, किस बोर्ड में डालना है, किस स्कूल में डालना है, आप इस हवाले से गौर करें कि वो स्कूल क्या बच्चे के अंदर उन जज्बात को इनक्रेज करता है, क्या वो एक ऐसा सेटअप और माहौल देता है कि बच्चा खुद ही इन चीज़ों की तरफ अपनी क्यूरियोसिटी। अच्छा, मैं एक आम समझे माँ हूँ और मैं सवाल आपसे करती हूँ, हम तो माएँ तो नहीं पढ़ी स्कूल में, तो माँ को कैसे अंदाज़ा होगा कि इस स्कूल में बच्चे को क्या मिलेगा, उस स्कूल में बच्चे को क्या मिलेगा और तीसरे स्कूल में बच्चे को क्या मिलेगा? मैं कैसे एनालाइज करूँगी, मैं कैसे रिसर्च करूँगी, क्या टूल्स आप यूज़ कर सकती हैं? जी जी, रिसर्च कैसे करूँगी, मुझे कैसे पता लगाना होगा? सबसे पहले तो आप स्कूल में जाएं और जो भी स्कूल की लीडरशिप है, जो स्कूल की टीम है, उनसे आप ये सवाल शेयर करें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे आउटकम्स ये हैं या मेरे गोल्स। मेरे पास इतनी वैरायटी है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं कोई अपनी लिस्ट बनाऊँ कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, ओपन हाउस में इधर इधर जाना है, मैं क्या करूँ? जी, ओपन हाउस आर डेफिनेटली ऑप्शंस। आप जाहरी बात है आप ये भी देख सकते हैं कि स्कूल्स कौन से अवेलेबल हैं। सो देयर आर सम स्कूल सिस्टम स्कूल, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी स्कूल है जो आपको हर जगह नजर आ रहा होगा, सो दैट्स एन ईजी एक्सेस फॉर यू कि आप वहाँ भी जा सकती हैं चेक करने के लिए, आप सवालात पूछ सकती हैं। और आप जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी उस स्कूल में अपने बच्चों को इनरोल करा चुके हैं, उनसे ज़रूर पूछें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ओके, वो कभी कभार ऐसा लगता है मुझे कि आप जब स्कूल के बच्चों से मिलते हैं और आप उनसे बात करते हैं, वहाँ भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्योंकि जब मैंने अपने दो मेरे बच्चे जब छोटे थे उनको स्कूल डाला था, तो मैं जिस स्कूल में वो थे मैं उस स्कूल के बच्चों से मिली थी, और जब मैंने उनसे बात की थी तो वो मुझे एक छोटी एज में बड़े उनका मैच्योरिटी नज़र आई थी गुफ्तगू में। सो मैंने कहा ओह वाह, मतलब टीचर्स तो ज़ाहिर है एक अच्छी ही तरह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उस स्कूल के पढ़े हुए जो बच्चे हैं, आप चार पांच, बाहर सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन चार पांच बच्चों को आप देखेंगे और उनसे बात करेंगे, सो वहाँ आपको एक बड़ी हेल्प मिल सकती है। फिर ये भी एक टिप है जो मैं पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि जब आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसे बच्चे होते हैं, फलां स्कूल जा रहे होते हैं और आप उनकी प्रोग्रेस देखते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक मिलता है अट्रैक्टिव पॉइंट। एग्जैक्टली, या मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों का जो सोशल सर्कल होता है, जहाँ हम लोग फैमिलियराइज होते हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उनकी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी वो लोग काफ़ी सारे डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, यहाँ पर उसके ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ वो पर्टिकुलर एजुकेशनल सिस्टम ऑफर कर रहा है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत रिव्यूज़ मिल जाते हैं। सेकेंडली, वी आर स्टेपिंग अप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा स्कूल जो है वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है, तो यू कैन ईजिली कंपेयर एज अ पेरेंट। एंड देन अगेन, जब आप लोग अपने बच्चे के लिए कोई बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करने जाते हैं, जब आप मल्टीपल स्कूल्स को विजिट करते हैं, जब आप व्हेन यू रोम अराउंड इन द स्कूल प्रीमिसेस, देन वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिल रहा होता है कि आपके जो इर्द गिर्द जो नर्चर इन्वायरमेंट हम बच्चे को जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ से भी यू कैन ईजिली गेट द आइडिया कि वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस स्कूल। यहाँ पर आप देन फिर अपने बच्चे को वहाँ स्टैंड करके उसको आइडियलाइज कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में अगर मैं उसको इनरोल कराती हूँ, तो फिर यहाँ से मेरे बच्चे के अंदर कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो डिवेलप हो सकती हैं।